Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. एंड आज होने वाली है इस चैनल की द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो दैट इज़ माय स्किन केयर रूटीन सो सबसे पहले तो इग्नोर माय फेस एंड माय हेयर मैं बस अभी थोड़ी देर पहले उठी थी एंड आई जस्ट चेंज्ड माय टॉप एंड आई सैट हियर टू फिल्म दिस वीडियो क्योंकि मुझे बहुत लोग मेरा स्किन केयर रूटीन पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आज फिल्म कर ही दिया जाए सो इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग माई जर्नी सिंस द बिगिनिंग ऑफ माई यूट्यूब डेज तो आपने मेरी स्किन की भी जर्नी फॉलो की होगी तो जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था उस टाइम पे माई स्किन वॉज लाइक बेबी सॉफ्ट इतनी ज़्यादा मेरी स्मूद एंड परफेक्ट आई वुड से स्किन थी जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था

फ्रेंड्स फैमिली एवरी बडी यूज़ टू पिकट मी बिकॉज ऑफ माई एक् ने एंड इट गॉट सो 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 मच स्ट्रेसफुल की वो स्ट्रेस की वजह से मेरे ऐक ने और ज्यादा बढ़ने लग गए थे एंड एक पॉइंट पर लाइक माई एंटायर चीक एरिया वॉज फुल्ली कवर्ड विद ऐक ने और वो बहुत ही ज़्यादा लो मोमेंट था मेरी लाइफ का बिकॉज उससे पहले मैंने कभी एक्ने एज सच फेस ही नहीं किए थे तो मैं यूट्यूब uh, वगैरह पे वीडियोज़ देख के एंड द फर्स्ट वीडियो दैट आई फाउंड मैंने सारे प्रोडक्ट्स मंगाए एंड आई जस्ट स्टार्टड अपलाइंग दैम ऑन माई फेस विदाउट इवन रिसर्चिंग कि कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं कौन से प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है अपनी स्किन पर एंड यू नो ऑल दोज डिटेल सो आफ्टर दैट जब uh, इतना प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करने के बाद भी मेरे फेस पे कोई असर नहीं दिख रहा था आई स्टार्टेड डाइविंग डीप इन टू स्किन केयर ताकि मैं सिर्फ वीडियोज़ देख के प्रोडक्ट उठा के अपने फेस पर ना लगाऊँ आई एक्चुअली नो वॉट एन इन्ग्रीडियंट इज़ अबाउट वॉट दैट इन्ग्रीडियंट वर्कस फॉर एंड हाउ इट वर्कस यू डोंट हैव टू पिक दीज प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जस्ट फोकस मेनली ऑन वॉट योर स्किन कंसर्न इज और इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करो एंड वो इंग्रेडिएंट्स आपको किसी भी प्रोडक्ट में अगर मिल रहा है बीट अ चीपो प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट और एन एक्सपेंसिव हाई एंड प्रोडक्ट इट डज़ नॉट मैटर मैटर्स सिर्फ ये करता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कैसा काम कर रहा है सो यू हैव टू फिगर दोज थिंग्स आउट थोड़ा सा टाइम लगता है बट यू विल गेट देयर यू नो सूनर और लेटर बाई द वे मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी एंड सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माई मॉर्निंग स्किन के रूटीन हाउ आई गॉट फ्राम दिस टू दिस देन कीप ऑन वॉचिंग दिस दी वेरी एंड बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज टेकआउटेंट हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंडिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट ताकि जब भी मैं कोई विडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड नाउ विदाउट एनी फॉर द ब्लैबरिंग राइड इन दीडियो अप एन एल सी यू इन माई बाथरूम फॉर द स्टेप वन एक्सक्यूज मी इफ़ माई वॉइस इज एक्ंग अ लिटिल बिट हियर तो जो पहला स्टेप है मेरे स्किन के रूटीन में दैट इज अ क्लेंजर आप कोई भी स्किन टाइप ऑफ फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली अ क्लेंजर तो मैं यूज़ करती हूँ एक सालिसलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर आजकल मैं ये सेंट ईव्स का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ दिस इज टू परसेंट सालिसलिक एसिड तो अगर आप स्टार्ट uh, कर रहे हो अपना स्किन केयर रूटीन तो आई वुड सजेस्ट सैलिसलिक एसिड सिर्फ नाइट टाइम में ही यूज़ करो एंड दैट टू ऑल्टरनेट डेज पे बट बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो गया एंड माय स्किन इज़ लाइक अडेप्टेड टू इट तो मैं दोनों टाइम सैलिसलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर ही यूज़ करती हूँ बिकॉज आई फील दैट वर्कस द बेस्ट फॉर माई ऑलरे एक्ने प्रोन स्किन एंड मेरे पिम्पल्स वगैरह अच्छे से पोर्स क्लियर हो जाते हैं सो आई व्लेंज माई फेस नाउ सो मैं थोड़ा सा फेस वॉश अपने पाम्स में लेके अच्छे से उसे एमल्सिफाई करके अपने फेस पे मसाज में अपना फेस वॉश करती हूँ एंड आई मेक श्योर कि मैं अपना फेस एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स वॉश कर रही हूँ ताकि ऑल द डर्ट एंड एम्प्योरिटी इज क्लीन प्रॉपर्ली और मेरे पोर्स भी अच्छे से क्लीन हो जाए

विटामिन सी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया मैं लिंक कर दूंगी आप लोग तो उसको चेक कर सकते हो बस मैंने कुछ चेंजेस किया है अभी अपने रूटीन में वो तो पहले ना मैं टोनर या रोज़ वाटर लगा के फिर वाइटमिन सी लगाती थी बिकॉज लाइक क्लेंजिंग टोनिंग सीरम एंड मॉइस्चराइजर बट मैंने ना आ, पढ़ा कहीं पे कि वाइटमिन सी को आपको हमेशा अपने क्लीन फेस के ऊपर डायरेक्टली लगाना चाहिए क्योंकि जब वाइटमिन सी सन एयर या वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो ना इनएक्टिव हो जाता है सो so वो आपकी स्किन पर उतने अच्छे से वर्क नहीं करता अभी मुझे पता नहीं है हाउ मच ट्रू दैट इज बट ये मैंने चेंज किया लाइक आई एम ट्राइंग टू सी द डिफरेंस तो मैं अभी एक हफ्ते से तो यही कर रही हूँ कि टोनर से पहले मैं अपने क्लीन फेस पे डायरेक्टली वाइटामिन सी अप्लाई करती हूँ और इसको मैं अपनी स्किन पे से पैट करती हूँ आई डोंट मसाज माय सीरम इसको अच्छे से पैड कर लो जब तक कि आपके स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो जो भी स्किन केयर स्टेप्स कर रहे हो ना हर स्टेप के बीच में अबाउट थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स का गैप दो ताकि सारे इन्ग्रीडियंट्स आपस में मिक्सअप ना हो जाए एंड अपने नेक पे भी स्किन केयर करो वरना फेस तो जवान रहेगा नेक बुड्ढी हो जाएगी फिर अच्छा नहीं लगेगा एंड जितना भी रिमेनिंग प्रोडक्ट होता है आई टेक इट टू माई हैंड्स क्योंकि सबसे पहले हमारे ना हैंड्स पे ही साइंस ऑफ एजिंग दिखना शुरू हो जाती है सो so नेक्स्ट मैं टोनर के लिए यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर क्योंकि विंटर्स आ गए हैं और स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई ड्राई सी फील करती है तो मैं कोई भी एक्सपोलिएटिंग टोनर यूज़ नहीं करती हूँ आई जस्ट यूज रोज़ वाटर एंड आई स्प्रेड्स इट ऑल ओवर माई फेस एंड इट इंस्टेंटली रिफ्रेशेज द स्किन एंड हाउ तो अगर आप कोई भी और सीरम यूज़ कर रहे हो लाइक अपार्ट फ्रॉम विटामिन सी तो आप टोनर के ऊपर ही यूज़ करो क्योंकि अच्छे से सिंक इन हो जाता है और टोनर से आपका फ़ेस थोड़ा सा हाइड्रेट भी हो जाता है इनफैक्ट वाइटमिन सी भी अगर आप टोनर के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा था बिकॉज मैं तो एक साल से यूज़ कर रही हूँ टोनर के ऊपर ही वाइटमिन सी एंड इट वर्कड प्रिटी डिसेंट सो अभी मैं रोज़ वाटर स्प्रे करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ हाइलोरॉनिक एसिड सीरम मैं इसे समर्स में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे फेस पर उतना हाइड्रेट कि मुझे समर्स uh, में जरूरत नहीं लगती है जब कभी लगती है तो मैं यूज कर लेती हूँ बट विंटर्स में हाइलोरॉनिक एसिड इज अ मेन पार्ट ऑफ माई स्किन केयर क्योंकि विंटर्स में ना स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है एंड बहुत ज्यादा बैरियर डैमेज होने की चांसेस हैं सो जस्ट आई टेक हाइलोरिक एसिड ये सुगंधा का हाइलोरिक एसिड है एंड इट इज वेरी वेरी गुड तो अगेन हाइलोरॉनिक एसिड को मैं अपनी स्किन पे पैड कर लेती हूँ तो हेलोरानिक एसिड तो आप कोई भी स्किन टाइप हो जस्ट इनकॉर्पोरेट इट ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड ये मैंने अपनी विंटर स्किन केयर टिप्स वाली वीडियो में भी बताया था अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना आपको बहुत काम आएगी विंटर्स में सो नेक्स्ट ऐप वुड बी मॉइस्चराइज़र और मैं यूज़ करती हूँ ये डॉटिन की का वाइटमिन सी मॉइस्चराइज़र ये मेरा थर्ड टब है लाइक like, ये पहला ऐसा मॉइस्चराइज़र है जिसको मैं यूज़ करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ बिकॉज़ इट इज़ सो गुड इसको लगाने के बाद से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हुई है मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इवन टोन हो गया है तो अगर आपको अन स्किन की प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन uh, mm. है डलनेस है फेस पे तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर जरूर चेकआउट कर सकते हो डॉट इन की का अब मॉइस्चराइजर मेरे फेस पे अच्छे से सिंक इन हो गया एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ ग्लो दैट इट हैज़ गिवन मी तो नेक्स्ट स्टेप इज आई क्रीम तो मैं ना आई क्रीम समर्स में उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ बट विंटर्स में मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि अंडर आई ना काफ़ी ड्राई एरिया होता है और विंटर्स में तो वो और भी ड्राई हो जाती है एंड या आई विल अप्लाई अंडर आई क्रीम ताकि मेरी जो अंडर आईज है वो ड्राई ना हो वरना बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं फाइन लाइन हो जाते हैं बहुत ड्राई हो जाती है अंडर आईज तो मैं अच्छे से ये वाइटामिन सी अंडर आई क्रीम यूज कर रही हूँ प्लम का एंड uh, अभी अंडर आई क्रीम मेरी लग गई है आई विल लेट दैट सिंक इन टू माई स्किन एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट आई यूज दिस कोजी टीम तो इस क्रीम को यूज़ करते हुए भी मुझे छः सात महीने हो चुके हैं जब आपने देखा होगा मेरा एक ब्लॉग जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी नहीं देखा तो मैं लिंक कर दूंगी सो so, मैं एक ही बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी एंड मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा था बट एक चीज़ जिसने मेरी हेल्प करी थी वो थी ये वाली क्रीम जो मेरी डर्ोमैट ने मुझे सजेस्ट की थी इस क्रीम को लगाने के बाद लाइक मैं नाइसनेमाइड यूज़ करती हूँ ना अपने एक्ने मार्क्स फेड करने के लिए वो थोड़ा धीरे काम करता है इसमें नाइसिनमाइड ही है एंड ग्लाइकोलिक एसिड है एंड कोजिक एसिड है तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ना साथ में काम करते हैं आपके एक्ने मार्क्स को और हाइपोपिगमेंटेशन को फेड अवे करने में तो अगर आपके ना हील हो गया है और एक्ने मार्क्स आपका मेन प्रॉब्लम है सो यू कैन यूज़ दिस क्रीम बट मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार पहले आप अपने एक्टिव एक् क्लियर कर लो उसके बाद ही आप ये वाली यू नो क्रीम यूज़ करना शुरू करना सो दिस इज कोजी ग्लो में लिंक दे दूँगी नीचे एंड मैं क्या करती हूँ उसको बहुत थोड़ा सा अपनी फिंगर पर ले सिर्फ अपने चीक एरिया पे लगाती हूँ लाइक like, पूरे फेस पे मैं इसको नहीं लगाती हूँ बिकॉज मेरे जो भी एक्ने मार्क्स है ना वो मेरे चीक एरिया पे ही मोस्टली है अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं बट थोड़े बहुत जो भी है ना वो क्लियर हो जाते हैं सो so, मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके फिर आई पैट इट इन माय स्किन और इसको मैं थोड़ा टाइम देती हूँ लाइक अबाउट अ मिनट टू सिंक इन तो ये मैजिक इन्ग्रीडियंट है जिसने मेरे एक्ने मार्क्स फेड करने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी है सो so, अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो कुछ काम नहीं कर रहा ना जस्ट गो एंड गेट दिस क्रीम और इसको डेली लगाओ दो टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम आप यूज़ कर सकते हो तो इस क्रीम को आप देखोगे कि दस पंद्रह दिन में ना आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबल डिफरेंस दिखने लग जाएगा बट मेक श्योर टू बी कंसिस्टेंट विद इट सो अभी वो क्रीम मेरे फेस पे सिंक इन हो गई है तो अब मैं सन

फाई करके एंड देन मैं अपने फेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ नेक पे भी कर लेती हूँ एंड देन आई मसाज इट वेल इनटू माई स्किन की वो अब्जॉर्ब हो जाए और uh, एक चीज़ है कि आपको अपने सनस्क्रीन को ना बहुत ज़्यादा ऐसे मसाज uh, कर करके करके -कर 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 बिल्कुल ही हटा नहीं देना है फेस से जस्ट लेट इट सिंक इन और उसके बाद ना पैट कर लो तो ये जो वाइट कास्ट है ना थोड़ी देर में चले जाता है ऑल दो इस सनस्क्रीन uh, का है नहीं ज़्यादा वाइट कास्ट एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ ग्लो दिस एंटायर रूटीन हैज़ गिवन मी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अब अपना स्किन केयर करने में एंड स्टार्टिंग मैंने बहुत आलस आता था तो मैं छोड़ देती थी बट करने लोगों तो आदत हो जाती है एंड एक बार रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं ना उसके बाद तो देर इज़ नो स्टॉपिंग तो आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा डूई और ग्लोई लग रही है लाइक like, परफेक्ट और धीरे धीरे मेरी सारी स्किन कंडीशंस भी सही हो गई मेरी स्किन इज़ बैक टू नॉर्मल बस थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे एंड आई डोंट माइंड द मेनी क्योंकि एज इन वेन यू ग्रो योर हॉर्मोन्स चेंज बॉडी में काफ़ी सारे इंटरनल चेंजेस आते हैं तो आपकी स्किन हमेशा वो टीन एज और वो बच्चों वाली नहीं रह सकती सो यू नीड टू एम्बरेस इट बट डू योर बेस्ट टू मेक इट द बेस्ट वर्जन दैट इज़ वॉट आई बिलीव इन तो अब मैं लगा लेती हूँ लिप बाम क्योंकि लिप्स को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और मैं लिप बाम में क्या करती हूँ अगर मेरे पे कोई टेंटेड लिप बाम है जिसमें एस पी एफ है तो मैं वो लगा लेती हूँ है बट अभी निकालने का मन नहीं है ये मैं रोज़ यूज़ करती हूँ तो मैं यही दिखा रही हूँ तो ये मेरा माइग्लैम uh, का एस वाला लिप बाम है इसमें सन प्रोटेक्शन है तो मैं इसको लगाती हूँ इसको लगाने के बाद मैं अपना निव्या का लिप बाम लगाती हूँ इसका बहुत ही सुंदर कलर है अभी आपके लिप्स टेंटेड भी हैं अच्छे भी लग रहे हैं एंड दे आर सन प्रोटेक्टेड और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ना हमारे लिप पिगमेंटेड है तो क्या करें क्या प्रोडक्ट लगाएं कोई प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ ऐसा लिप बाम ले लो जिसमें सन प्रोटेक्शन हो एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके लिप बाम, लिप बाम ही आपके लिप्स को एकदम परफेक्ट कर देगा एंड ऑल्सो मैं नेचुरल सनलाइट में ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि मेरी स्किन एक्चुअली में कैसी है क्योंकि यू नो रिंग लाइट वगैरह के आगे यू डोंट गेट टू सी द मोस्ट नेचुरल वर्जन ऑफ योर स्किन बट दिस इज़ वॉट माई स्किन लुक्स लाइक अंडर नेचुरल सनलाइट तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको मेरा स्किन केयर रूटीन हेल्प लगा या नहीं लगा एंड मेरा जो नाइट टाइम रूटीन है ना वो थोड़ा सा अलग होता है तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपने नाइट टाइम स्किन के रूटीन भी शेयर करूँ तो ड्रॉप इट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो गिव इट थम्स अप एंड प्लीज डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल